नमस्कार दोस्तों, अभी हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करने वाला प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड को उपयोग में लेते हुए ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर की सहायता से दो कुंडलियों का अनन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करते हैं। इसका सर्किट कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हमें ए बी सी डी ध्यानपूर्वक जोड़ना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है, जिसमें यह सर्किट किस प्रकार से जोड़ना है वो आप देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। अब चलें इस वीडियो को स्टार्ट करें। हाँ ठीक, उस तरफ है अंदर डाला दिशा, उस तरफ है हाँ, और बाहर निकला इस तरफ जा रहा है। ठीक, इस तरफ दिशा का विरोध करता है। हाँ, कि जिस दिशा में हम कार्य कर उस दिशा का विरोध करता है, उस तरफ जा रहा है। मैंने बाहर निकला तो झटके से इस तरफ जाएगा, वोल्टेज ज्यादा इसलिए बाहर जा रहा है। ये तो थीटा 1 और थीटा 11 के लिए पांच बार ऐसे लेंगे। अच्छा, 1 और थीटा 11। हां ठीक, पांच बार ऐसे लेंगे। अंदर डाल दिए तो गिन लिया थीटा 1 और फिर 11 बार आएगा तो गिन लिए उसी समय पर। हां ठीक है, फिर दूसरी बार ये लेंगे बाहर और इन दोनों को डाल देंगे। अच्छा, इन दोनों को डाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको अंदर ही रखना। अच्छा, इसको अंदर रखना, लेकिन ये तो रुक गया ना। अब जो भी प्रतिरोध है, अल्प प्रतिरोध है, पॉइंट एक, पॉइंट दो, पॉइंट एक निकालो। ये विक्षेप बढ़ा। हाँ ठीक, विक्षेप बढ़ा, ठीक, विक्षेप बढ़ गया। अब यहाँ इसके बीच कहीं ना कहीं स्थिर होगा थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, जो स्थिर होगा वो हमारी दूसरा पॉइंट दो पर, पॉइंट तीन पर होगा, क्योंकि पॉइंट दो और पॉइंट एक निकालोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर और निकालेंगे तो विकसित बढ़ेगा। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। वोल्टेज हमें बहुत कम रखना है ताकि अच्छा अंदर रह सके, अंदर रह सके। सही ठीक बात है। हाँ, तो इस तरीके से चार मान होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट दो, ऐसे इस पर ले लिया। यहाँ पर खुला बता रहे हैं, थोड़ा वोल्टेज कम रखेंगे तो हमारा अंदर रहेगा। तो ये होगा आर और फाइव के मध्य, कुंजी अंदर ही रखनी है। आर को निकालते जाओ, फिर आर टू को निकाल दो, फिर आर थ्री को, ऐसे चार मान, फिर ऐसे चार मान निकालने। ठीक है, आप अलग अलग मान आ जाएंगे। अब ये होगा पाँच और पाँच, दस पर हो गया। और पहले थीटा 1 और थीटा 11 के लिए कितनी रीडिंग लेनी है? उसके लिए तो माध्य निकलेगा, आएगा वही जो थीटा 1 और थीटा पहली बार में जो आएगा। इस प्रकार से दोस्तों, हमने अनन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करने वाले प्रैक्टिकल को सीखा, जिसमें हमने पहले थीटा 1 थीटा 11 के लिए रीडिंग ली, जिसमें हमने सी टू डी के लिए कनेक्ट किया और कुंजी को एक बार प्रेस करके हमने बाहर निकाल लिया। सेकेंड टाइम में हमने फाई को ज्ञात किया, कुंजी को लगे रहने दिया, वह प्रतिरोध को एक एक करके निकाला। इसमें हम डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मेथड को उपयोग में लेते हैं और ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। यह प्रैक्टिकल बहुत ही आसान है दोस्तों, बस इसकी आप थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस करें। हो सकता है आपकी पहली बार में रीडिंग सही नहीं आई, लेकिन जब आप दूसरी बार प्रयास करेंगे तो आपकी, मैं आशा करता हूँ, रीडिंग सही आएगी। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था।